और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस हमले के बाद यूक्रेन वॉर जोन में क्या क्या बदल सकता है और पुतिन को इस धमाके से कितना बड़ा मौका मिल चुका है, ये आपको समझना चाहिए। दरअसल क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर धमाका हुआ है और अब पुतिन इसे रूस पर हमला मानेंगे क्योंकि क्रीमिया अब रूस का हिस्सा है। इसी के साथ यूक्रेन ने इस धमाके पर खुशी जाहिर की है। रूस अब धमाके का इल्जाम यूक्रेन पर लगा सकता है और इसी के साथ धमाके के बाद क्रीमिया का रास्ता बंद हो गया है, लेकिन रूस बहुत जल्द इसकी मरम्मत भी कर लेगा। अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले बंद थे, लेकिन रूस के इलाकों में हमले के बाद कीव पर हमले दोबारा से शुरू हो सकते हैं। यूक्रेन पर दुनिया के कई विशेषज्ञ परमाणु हमले की आशंका जाहिर कर रहे थे और इस धमाके के बाद तो पुतिन को इस हमले का कारण भी मिल गया है। रूस से क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर पुतिन के सपनों के ब्रिज पर धमाके के दोषियों को पुतिन कभी न भूलने वाली सजा देंगे, लेकिन क्या इस अटैक के पीछे यूक्रेन का हाथ है? ये तो सच है कि ये ब्रिज यूक्रेन के निशाने पर लंबे वक्त से था, लेकिन अब तक यूक्रेन ने इस धमाके के पीछे अपने हाथ को स्वीकार नहीं किया है। पर धमाके के बाद यूक्रेन की खुशी भी छिपाए नहीं छिप रही। इसके लिए आप यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्वीट को देखिए। गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा और कर्च ब्रिज यूक्रेनी क्रीमिया में रूस की शक्ति के दो कुख्यात प्रतीक समंदर में डूब गए। इसके बाद क्या होगा रूसियों? अब जो कुछ यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया उसे तस्वीरों में देखिए। काला सागर में यूक्रेन के लिए काल बने रूसी युद्धपोत मॉस्कोवा को यूक्रेन ने अमेरिका से मिली किलर मिसाइलों नेपच्यून से डूबोने का दावा किया था। मॉस्कोवा का डूबना भी रूसी शर्म की वजह बना था। अब तक कर्च ब्रिज पर धमाके की जिम्मेदारी तो यूक्रेन ने नहीं ली है, लेकिन यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का ट्वीट बहुत कुछ कह रहा है। रूस की एजेंसियां भी ट्रक ब्लास्ट की पड़ताल में लग चुकी है और इस धमाके में अगर यूक्रेन या फिर किसी विदेशी एजेंसी का हाथ सामने आता है तो पुतिन क्या कर सकते हैं, उसे समझने के लिए आपको पुतिन का ये बयान फिर से सुनना चाहिए। Используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать. यानी पुतिन को कर्च ब्रिज पर हुए धमाके से एक बड़ा मौका मिल गया है, जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन पर किसी बड़े धमाके के लिए कर सकते हैं। और ये धमाका विश्व युद्ध की शुरुआत भी करवा सकता है। न्यूक्लियर वेपन तक की अब नौबत आ सकती है। एक छोटा न्यूक्लियर वेपन, खैर छोटा वेपन क्या होता है, मारेगा दो भी 10,000 लाख 2 लाख लोगों को, वैसा न्यूक्लियर वेपन रशिया इस्तेमाल करने की तरफ जा सकता है आने वाले दिनों में यूक्रेन के ऊपर उस तरह का कोई अटैक, क्योंकि इसके अलावा रशिया के पास कोई बड़ा कदम बचा ही नहीं है। अगर आप देखिए कुल मिलाकर जिस परमाणु धमकी को हल्के में न लेने की बात खुद जो बाइडेन कर चुके हैं, जिस धमाके का संकेत खुद रूस की तरफ से मिल चुका है, अब उसका कारण भी रूस को मिल चुका है। अब सबकी नजरें पुतिन पर टिकी हैं। कर्च ब्रिज पर धमाके का बदला वो कैसे लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।